नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के सेनापति मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन 27 जुलाई 2024 को करने वाले हैं, तो इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो मकर राशि वाले जातकों, देखिए 27 जुलाई 2024 की सुबह है 4:38 पर सेनापति मंगल कृतिका नक्षत्र को त्याग कर रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और 15 अगस्त 2024 तक ये रोहिणी नक्षत्र में ही गोचर करने वाले हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि मंगल वृषभ राशि में मौजूद हैं। मंगल तो रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, साथ में मंगल के जो परम मित्र हैं देवगुरु जो वृषभ राशि में ही मौजूद हैं वो भी रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे, तो ऐसे में दोनों ग्रहों का बहुत ही जबरदस्त संयोग और राजयोग बनने वाला है जो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाला है। तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में मकर राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलना है। देखिए, मंगल के बारे में आपको संक्षेप में जानकारी दे रहे हैं। सेनापति मंगल को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति का ही दर्जा माना गया है। मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, सौतेली मां का, पुलिस फौज और प्रशासनिक क्षेत्रों का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर मंगल का विशेष प्रभाव होता है। किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर मंगल अगर बलवान हो दर्शकों, तो जीवन में कई प्रकार की उपलब्धि और सफलता प्रदान करते हैं। बलवान मंगल के प्रभाव से जातक को अचल संपत्ति प्रॉपर्टी का भरपूर लाभ जीवन में होता है। छोटे भाई बहन जीवन में काफी ज्यादा सहयोग करने लगते हैं। मंगल अगर बलवान हो तो जातक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहकर सफलता अर्जित करता है। मंगल का बली प्रभाव जातक को खेल, सेना और शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए कामों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता देता है। वहीं यही मंगल अगर जन्म कुंडली में नीच राशिगत होकर विराजित हो, पापी ग्रहों के प्रभाव में हो, देखिये सबसे पहले तो मंगल निराशा देते हैं, झगड़ालू स्वभाव देने लगते हैं। पित्त से जुड़ी हुई बीमारी, आंखों से जुड़ी हुई समस्या, बीपी और रक्त से जुड़ी हुई बीमारी समस्या देखने के लिए शरीर में मिलने लगती है। शत्रुओं से लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मंगल के द्वारा यदि मांगलिक दोष का निर्माण हो जाए तो इसका वैवाहिक जीवन में बहुत बुरा प्रभाव मिलता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। मकर राशि वाले जातकों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। सेनापति मंगल 27 जुलाई 2024 को आपके पंचम घर में नक्षत्र बदलाव करने वाले हैं, जबकि आपके राशि के लिए मंगल लाभ भाव और आपके सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो चूंकि पंचम घर से शिक्षा के बारे में विचार करते हैं, पूर्व जन्म के पुण्य के बारे में विचार करते हैं, प्रेम संबंध, संतान के बारे में और यात्राओं के बारे में विचार किया जाता है, तो यहां पर मकर राशि वाले जातकों को कई प्रकार की सकारात्मकता मिलने वाली है। सबसे पहले तो मकर राशि वाले जातकों, इस समयावधि में जो आपका संबंध है, यदि आपका संबंध छात्र जीवन से है, एजुकेशन क्षेत्र में यदि आप चल रहे हैं और किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, कई बार परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं लेकिन कई बार यदि आपको असफलता मिल चुकी है, इस समयावधि में यदि आप किसी प्रकार का इंटरव्यू यदि आप परीक्षा में बैठते हैं तो आपको मनोवांछित सफलता मिलेगी, बशर्ते यदि आप पूर्ण रूपेण तन्मयता और मनोबल के साथ प्रदर्शन करते हैं तो जो परिणाम है वो आपके पक्ष में आने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए मकर राशि के ऐसे जातक
जो दर्शन शास्त्र, रिसर्च, अनुसंधान के क्षेत्रों में कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जीवन में समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ जो मकर राशि वाले जातक हैं, चूंकि मंगल का जो प्रभाव है वो आपके कर्म क्षेत्र में बहुत ही बेहतर पड़ने वाला है, करियर के मामले में पिछले समय से चली आ रही निराशा और करियर के मामले में पिछले समय से चली आ रही समस्या समाप्त होने वाली है। मकर राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में मंगल से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे यदि आप इस समयावधि में सेना, पुलिस, आर्मी में हैं, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में आपका जुड़ाव है, यदि आप रसायन शास्त्र विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, सर्जरी करते हैं, डेंटिस्ट हैं, फायर ब्रिगेड के क्षेत्र में आपका जुड़ाव है, होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे का संचालन करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को अनुकूलता और शुभ प्रभाव मिलने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जो मकर राशि वाले जातक हैं, चूंकि आपके सुखेश भी लाभेश दोनों मंगल माने जाते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में मंगल की जो दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर पड़ने वाली है, तो कार्य क्षमता आपकी बहुत ही सशक्त रहने वाली है और इसकी वजह से जो मकर राशि वाले जातक हैं अपने जीवन में एक से अधिक माध्यम से धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं, यानी धन को अर्जित करने में आप लोग सफल रहेंगे, धन आपके जीवन में आने वाला है। अब यहां पर इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, मंगल एक क्रूर ग्रह है और कहां विराजित है, आपके पंचम भाव में विराजित है, तो कहीं ना कहीं प्रेम जीवन के रिश्तों में और वैवाहिक जीवन के रिश्तों में जो आपका स्वभाव है उसमें रूखापन देखने के लिए मिल सकता है, आपकी जो विचारधारा है उसमें कहीं ना कहीं जिद की भावना ज्यादा हो सकती है या आपके पार्टनर या आपके प्रेमी की भावनाओं में जिद काफी ज्यादा मिलेगा। यहां पर मकर राशि वाले जातकों को संयम बरतना चाहिए, धैर्य बनाकर चलना चाहिए, तो समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और पंचम भाव पर विराजित है, पंचम भाव आपके पेट का होता है और गर्म ग्रह मंगल है, तो कहीं ना कहीं मकर राशि वाले जातक यदि आप इस समयावधि में गलत खान पान का सेवन करते हैं तो आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी भी परेशान कर सकती है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहने वाला है और उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों यदि आप मंगलवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में गेहूं, तांबा, गुड़, लाल वस्त्र, इनमें से किसी भी चीज का दान यदि आप जरूरतमंद लोगों में करते हैं तो आपके जीवन में शुभता काफी ज्यादा आपको मिलेगी। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।